वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। कंटिन्यू करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की नेक्स्ट सीरीज, जिसमें हम क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लर्निंग डिसेबिलिटी की कंसेप्ट की वीडियो प्रोवाइड की हुई है, जिसमें हमने उसके कॉजेज, सिम्टम्स, करेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग डेफिनेशन सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है, जिसका लिंक ऊपर सजेशन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज आप उसे देखिए, उससे आपको ये क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लर्निंग डिसेबिलिटी टर्म वाज फर्स्ट यूज बाय, तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, हम पहले बेस से ही चलते हैं कि ये जो टर्म है ये सबसे पहले किसके द्वारा यूज की गई थी। तो ये सिर्फ यूज में लाई गई थी किसके द्वारा, देखते हैं, जिगमंड सैमुअल कर्क, कैवेले एंड फोर्नेस या फिर रोजेनबर्ग। तो सैमुअल कर्क के द्वारा कब, 1962 में इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, हु सेड अ लर्निंग डिसेबिलिटी इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द ब्रेन्स एबिलिटी टू रिसीव, प्रोसेस, स्टोर एंड रिस्पॉन्ड टू इंफॉर्मेशन। यानी कि इससे आप क्लियर हो जाएगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, इससे पहले हमने पढ़ा था जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो नर्व्स होती है वो मैसेज नहीं पहुंचा सकती, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये हमने पूरे डिटेल में आपको बताया हुआ, इसके एमसीक्यू भी हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसकी वीडियो आपको ऊपर मिलेगी, लिंक में आप जाके देखिए, कंसेप्ट की वीडियो भी इसकी अलग से है। तो जब हमारे जो ब्रेन की एबिलिटी होती है वो अफेक्ट हो जाती है, जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं कर पाते, प्रोसेस नहीं कर पाते या स्टोर नहीं कर पाते, फिर उसको अपने जो हमने रिसीव किया उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, तो उसे क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसने बोला था, ये जिगमंड ने कहा था। ठीक है, वैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज के नाम से ही पता चलता है कि क्या, किसी भी लर्निंग में, किसी भी चीज को समझने में कठिनाई होना। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, ऑल आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड एक्सेप्ट, तो लर्निंग डिसेबिलिटी की करेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है, एक उसमें नहीं है। देखते हैं, कोग्निटिव, कोग्निटिव है, कोग्निटिव में क्या होता है, हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो रीजनिंग एबिलिटी है वो अफेक्ट करती है, बिल्कुल। तो अगर हमारी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी होगी या फिर पुअर होगी तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी और एबिलिटी के अंदर आएगा, तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक होगी। बिहेवियर, बिहेवियर से हम अपने इमोशंस को, अपने इंटरेस्ट को, सभी चीज़ों को इसमें शो करते हैं, तो ये भी इसकी होगी। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं होता, कोऑर्डिनेशन किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी इम्पेयरमेंट में हो सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है कम्युनिकेटिव, जो लर्निंग डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको कम्युनिकेशन में भी दिक्कत होती है, या तो उनकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होती या उनको बोलने में परेशानी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, इफ अ चाइल्ड हैज डिफिकल्टी इन पुटिंग वर्ड्स डाउन ऑन अ पेपर, इट मे बी ड्यू टू अ लर्निंग डिसेबिलिटी। बिल्कुल, तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है कि मान लो किसी बच्चे को हम शफल करके दे देते हैं कोई भी बोर्ड वगैरह पे कोई भी नंबर्स, और अगर हम उसको कहते हैं इसको अरेंज करो, वो अरेंज नहीं कर पाता, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। ऐसे नहीं कि भाई वो पजल होगी तो बिल्कुल वो कोई भी नहीं सोल्व कर पाएगा, नहीं, उसको कुछ बच्चे सोल्व नहीं कर पाएंगे, बाकी सोल्व कर लेंगे तब भी माना जाएगा। द बेस्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी to implement in a classroom to support children who struggle with writing would be, यानी कि उस टाइम पे जो बच्चों को जो ये इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है राइटिंग है उसमें प्रॉब्लम होती है, तो उसको क्या सबसे बेस्ट सपोर्ट मिलनी चाहिए। देखते हैं इसके ऑप्शंस, टू प्रोवाइड मोर टाइम टू ऑन टास्क, कि उसको और टाइम दो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, कि कोई ना कभी तो वो करेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, उसे उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। फिर है टू प्रोवाइड पीयर ट्यूटोरिंग ड्यूरिंग राइटिंग टाइम, तो जब वो राइट करेगा उस टाइम पे क्या है, अब देखो इसमें ये बताया गया, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया शफल वर्ड, इसमें मेन बताया गया कि हम राइटिंग के टाइम पर उसको वर्ड्स को लिखने नहीं आ रहे, तो वो मेन इस पे फोकस किया गया है। तो क्या उसको फ्रेंड्स की हेल्प से उसको राइटिंग का इम्प्रूव करवानी चाहिए, नहीं, फ्रेंड्स की हेल्प से भी नहीं करवानी चाहिए। फिर है टू प्रोवाइड, उसमें बेस्ट पूछा गया, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, ये हो भी सकता है। ठीक है, टू प्रोवाइड एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम इन द रिसोर्स रूम टू रिसीव वन टू वन असिस्टेंस, या फिर वो कह रहा है कि भाई उसको एक्स्ट्रा टाइम दो कि भाई तुम उसको इम्प्रूव करें, और फिर कह रहा है टू प्रोवाइड डिटेल्ड डायरेक्शंस एंड ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स टू हेल्प विथ स्ट्रक्चर। तो यही होगा इसका बेस्ट जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, कि भाई क्या है उसको डायरेक्शन दो,
डिटेल में एक्सप्लेन करो कि भाई क्या चीज, उसको ग्राफ्स के थ्रू शो करो, ऑर्गेनाइज कराना सिखाओ कि वो चीजें उसको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो चीजों को बहुत लेट सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ कॉज ऑफ अ लर्निंग डिसेबिलिटी। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके कुछ कॉजेज प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें से एक कॉज कौन सा नहीं है वो देख लेते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, हाँ बिल्कुल, जो उनकी मेमोरी होती है वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म हो जाती है, मतलब वो चीज़ों को करके भूल जाते हैं या फिर उनको कोई भी चीज़ याद करने में बहुत टाइम लगता है, तो ये उसका कॉज माना जाता है। फिर है पेरेंट्स स्ट्रगल्ड इन स्कूल, क्या इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी में पेरेंट्स का रोल होता है, जो पेरेंट्स है पेरेंट्स उनके लिए सब कुछ करेंगे, नहीं ये कॉज नहीं है। जेनेटिक्स कॉज हो सकते हैं, ये किसी भी मान लो किसी के पेरेंट्स में या किसी भी जैसे पूर्वजों में कोई डिसेबिलिटी है तो बच्चे में आने के उसके चांसेस होते हैं, जिसे हेरिडिटी भी बोलते हैं। फिर है फॉल्टी वायरिंग इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो ये उसका कारण होता है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो ब्रेन होता है उसमें कोई उनके जो जैसे हम नर्व्स कह सकते हैं, हमने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में पढ़ा था, उसमें कोई फॉल्टी वायरिंग के कारण भी जो लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ये इसका कॉज नहीं है। नेक्स्ट है इसमें, प्रॉब्लम्स इन द लर्निंग प्रोसेस कैन इन्वॉल्व चिल्ड्रन अनेबल टू कंप्लीट द टास्क बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि जैसे मान लो जो लर्निंग की जो प्रॉब्लम होती है बच्चों के अंदर वो क्या होता है कि इन्वॉल्व चिल्ड्रन अनेबल टू कंप्लीट टास्क, तो बच्चे किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में क्या होते हैं, अनेबल होते हैं, मतलब टाइम पे अच्छे से कर नहीं पाते, तो उसके कुछ कारण बताए गए हैं, एक कारण उसमें से नहीं है। देखते हैं सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम, बिल्कुल, तो कोई भी चीज़ अगर उनको सिक्वेंस करने को लिए बोला जाए, नंबर सिक्वेंस हो गया, अल्फाबेट सिक्वेंस हो गया, या कोई भी चीज़ अरेंज करने को बोला जाए तो वो नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है लर्निंग प्रोसेस में। फिर है हैंडेडनेस, हैंडेडनेस का मतलब होता है कि भी कोई राइट हैंड होता है, कोई लेफ्ट हैंड होता है, कि भी किसी को राइट हैंड से लिखा जाता है, किसी से राइट लेफ्ट हैंड से, तो क्या ये प्रॉब्लम होती है जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, नहीं ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा। फिर है एब्स्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, ये भी होती है, किसी भी चीज़ को बिल्कुल सार में समझने में उनको दिक्कत होती है, और मेमोरी प्रॉब्लम तो होती ही है लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर, तो ऑप्शन बी इसमें गलत होगा। नेक्स्ट है इसमें, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ बिहेवियर दैट आर कंसिडर्ड प्रॉब्लमेटिक, बिल्कुल, तो काफ़ी सारे उनके जो बिहेवियर होते हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको लर्न करने में दिक्कत होती है, बहुत टाइम लगता है, तो औरों को भी इससे क्या होता है, समझाना पड़ता है, चाहे टीचर्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे पीयर्स हो, चाहे सोसाइटी हो, तो उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है। दिस कैन अफेक्ट देयर डेवलपमेंट, जिससे उनकी डेवलपमेंट पर भी असर पड़ता है, सोशली एंड एकेडमिकली, जो सोसाइटी में वो एक दूसरे से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाते, घुल मिल नहीं पाते अपने दोस्तों के साथ, एंड एकेडमिकली यानी कि स्कूल परफॉर्मेंस में भी वो पीछे रह जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ वेरिएबल इन अ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो जो बच्चे की डेवलपमेंट है उसमें कौन सा वेरिएबल है जो अफेक्ट नहीं होता, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बिल्कुल होते हैं, जो एन्वायरमेंटल फैक्टर, जो एन्वायरमेंट में हम चीज़ों को देखते हैं, उनसे सीखते हैं, जो हम सारा रहन सहन खान पीन होता है उससे भी हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी इफेक्ट होती है। फिर है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स हमने पढ़ा है कि हेरिडिटरी भी हो सकते हैं। फिर है पेरेंटल एजुकेशन, बिल्कुल, तो लर्निंग डिसेबिलिटी पेरेंटल एजुकेशन पे भी डिपेंड करती है, कि भाई हाँ अगर हमारे जो पेरेंट्स होंगे वो एजुकेटेड होंगे तो वो क्या होंगे, हमें हेल्प करेंगे चीज़ों को सीखने में और सिखाने में। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर वैलिड, इसमें कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, ट्राइसोमी 21 इज मोर कॉमनली नोन एज, क्या होता है ट्राइसोमी कॉमन जो 21 होता है, ये क्या है देखते हैं, ऑप्शन सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, टोरेटो सिंड्रोम, या फिर एपिलेप्सी। तो ये क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए कॉज माना जाता है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें, एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान यानी कि IEP, तो ये क्या होता है इसमें देखते हैं, अ कॉन्टेक्ट दैट मस्ट बी फॉलोड बाई टीचर्स एंड प्रोफेशनल स्टाफ, एन आउटलाइन फॉर द जनरल एजुकेशन टीचर, अ प्लान क्रिएटेड फॉर एवरी स्टूडेंट इन द क्लासरूम, या फिर अ सस्पेक्शन ऑफ द नंबर ऑफ चाइल्ड
नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट। तो यानी कि क्या करें कि इसके अंदर क्या होता है जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होता है कि भाई हर एक बच्चे को पर्सनली फोकस किया जाता है, जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसको अलग से क्लासेस के थ्रू अलग से उस पर ध्यान दिया जाता है, उसे बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। इसमें टीचर और प्रोफेशनल सब मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो ऑप्शन ए इसमें ठीक हो जाएगा। बाकी जो ये कहते हैं कि भाई हाँ इसमें ये भी देखा जाता है कि कोई जो बच्चा है हर एक जो कमी है उसको कैसे सस्पेक्ट किया जाए, तो इसमें यानी सस्पेक्शन ऑफ नो चाइल्ड लेफ्ट में यानी भी एवरी चाइल्ड हर बच्चे को आगे लेके जाना। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें व्हेन अ स्टूडेंट हैज एन इनएबिलिटी टू लर्न एंड देयर इज नॉट अ हेल्थ इंटेलेक्चुअल और सेंसरी फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड देन ही और शी फॉल अंडर विच ऑफ द कैटेगरीज एज आउटलाइन अंडर आइडिया। आइडिया क्या है यहाँ पे, इंडिविजुअल डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट है यहाँ पर। इसमें उसने क्या बताया गया कि अगर मान लो किसी बच्चे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई सेंसरी मतलब सेंसेस भी उसके सारे काम करते हैं, माइंड भी काम करता है, लेकिन फिर भी उसको लर्न करने में कोई चीज को दिक्कत हो रही है, तो उस टाइम पे उसको क्या माना जाएगा, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, इमोशनल डिस्टर्बेंस या फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो उस टाइम पे उसको माना जाएगा कि वो इमोशनली डिस्टर्बेंस है, उसकी कोई डिसेबिलिटी नहीं है, उसकी जो फीलिंग्स है मतलब वो किसी भी चीज की वजह से परेशान हो सकता है, कोई अचीवमेंट ना हो, किसी फेलियर की वजह से, किसी भी चीज की वजह से उसके गोल ना अचीव हो तो वो परेशान हो सकता है, डिस्टर्बेंस उसमें हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज हैव डायलेक्सिया। तो जो डायलेक्सिया होता है ये भी एक बीमारी होती है जिसमें लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें कितने परसेंट बच्चों में ये पाई जाती है, तो अप्रोक्सीमेटली 80% बच्चे डायलेक्सिया होते हैं, क्योंकि जो ये होती है बोन का ही होता है, बोन माइंडेड जिसे बोलते हैं गिफ्टेड चाइल्ड, और जिसको क्या बोलते हैं कि कुछ चीजें प्रैक्टिस से करनी पड़ती है, तो 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, वो चीजें कर करके सीखते हैं प्रैक्टिस से। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ लर्निंग जनरली इम्पैक्टेड बाय अ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो यानी कि जब लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनमें से क्या चीजें हैं जो अफेक्ट नहीं होती, देखते हैं मैथ, हाँ तो उसको मैथमेटिक में, कैलकुलेशन में, अर्थमेटिक में इसमें प्रॉब्लम्स होती है, फॉर्मूले लर्न नहीं होते, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी का कोज होता है। रीडिंग में भी वो चीज़ों को अच्छे से पढ़ नहीं पाता, चीज़ों को अरेंज नहीं कर पाता, वोकैबुलरी उनको लर्न नहीं कर पाता, वर्ड्स को नहीं समझ पाता, ये भी होती है। इन्वेंटिवनेस, तो इन्वेंटिवनेस क्या होता है कि इसमें क्या है कि वो क्या नई नई चीज़ों को अच्छे से इन्वेंशन करता है, बिल्कुल ये कोई लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा चीजों को अच्छे से सीखता है करता है, तो वो क्या होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होगा। ओरल एक्सप्रेशन, चीजों को एक्सप्रेस करने में भी उसको प्रॉब्लम होगी, तो ऑप्शन सी इसमें नहीं होगा लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण। ठीक है, नेक्स्ट है टू टेस्ट द लर्निंग डिसेबिलिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज और आर अडोप्टेड टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन द क्लास और स्कूल। तो क्या कह रहा है कि भाई हमें ये देखने के लिए हम ये इसको कह सकते हैं कि साइंस और सिम्टम्स पूछे गए हैं किसके, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के। देख लेते हैं कौन से होते हैं, भाई पहले है क्लिनिकल प्रोसीजर कि हम कैसे उनको ऑब्जर्व पता कर सकते हैं कि भाई लर्निंग डिसेबल्ड है, भी उनका क्लिनिकल प्रोसीजर यानी कि बाय ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट इंटरव्यू। तो हम डॉक्टर के पास या फिर वैसे जाके भी उनको पूछ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको क्या प्रॉब्लम है, या फिर उसे पूछ सकते हैं चीज़ों को इंटरव्यू के थ्रू, उसकी प्रॉब्लम्स का पता चल जाएगा। फिर है टेस्ट डिस्क्रिप्शन डिसिप्लिन वाइज परफॉर्मेंस। तो इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज अचीवमेंट को देखेंगे कि भाई उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, रीडिंग में आ रही है, मैथ में आ रही है, राइटिंग में आ रही है, एक्सप्रेस करने में आ रही है, तो वो चीज़ों से भी उसका पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ लर्निंग डिसेबिलिटी है। फिर है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर टेस्ट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे करेंगे, उसके जो पुअर परफॉर्मेंस है उसका कारण जानेंगे, उसका बिहेवियर जो इतना अनवांटेड हो रहा है, जो वो चीज इतना दूसरों के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं करता, उसका कारण देखेंगे। तो ये सारे के सारे हम चीजों के थ्रू लर्निंग डिसेबिलिटी को जज कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी विल डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। बिल्कुल, तो जो हमारी परफॉर्मेंस जो लेवल होता है जिसे हम जज भी करते हैं, कोई भी कंपटीशन करवाते हैं
उसके थ्रू पता चल जाता है कि जो बच्चा अच्छे से परफॉर्म करता है उसकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, जो नहीं कर पाता तो उसको क्या मान लेते हैं हम, लर्निंग डिसेबिलिटी। हमने ये भी पढ़ा था कि 80% चिल्ड्रंस में ये पाई जाती है। मेड इन डिफरेंट सब्जेक्ट लर्निंग डिसेबिलिटी क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज डेवलप बाय, तो जो ये क्वेश्चन बनाया गया था कि भाई अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग डिसेबिलिटी हो सकती है, तो ये क्वेश्चन किसके द्वारा दिया गया था, प्रसाद के द्वारा, श्रीवास्तव या फिर प्रसाद और श्रीवास्तव बोथ या फिर चिडमोन। तो ये क्या है, प्रसाद और श्रीवास्तव दोनों के द्वारा ही दिया गया है। ठीक, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू ट्रीट द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन वेरियस मेथड्स आर यूज्ड विच इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, जो मेथड्स पूछे गए हैं इसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज को ट्रीट करने के लिए, तो क्या हो सकते हैं देखते हैं, बिहेवियर गाइडेंस मेथड। बिल्कुल, तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या बिहेवियर की वजह से होती है, बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ जाता है, जो इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम उसको गाइड करेंगे उसके बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए, तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर ट्रीट कर सकते हैं। फिर है फिजिकल करेक्टरिस्टिक टेस्ट, तो इसमें कोई क्या लर्निंग डिसेबिलिटी फिजिकली होती है, नहीं, फिजिकली मान लो कोई भी हमारे सेंसेस नहीं है, कोई वो कोई चीज़ है मान लो विजुअल है, हियरिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे सारे के सारे, क्या होता है विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, उनको भी आप देख सकते हैं, वीडियो हमने उसकी प्रोवाइड की हुई है, कंसेप्ट की अलग है और MCQ की अलग है, सजेशन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। तो वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं आती। फिर है कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, हाँ कॉग्निटिव में क्या होता है, उसकी रीजनिंग, उसकी थिंकिंग एबिलिटी, एनालिटिक्स उसको जज करेंगे, उससे भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर एडोप्टिव टीचिंग मेथड, तो टीचिंग मेथड कैसे अडोप्ट करेंगे हम, उसके अलग अलग उसकी इम्प्रूव करेंगे बेसिक स्किल्स को, जैसे रीडिंग होगी, राइटिंग होगी, मैथमेटिक्स हो गया, इन सारी चीज़ों को बेसिक स्किल्स के थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं आती। नेक्स्ट है इसमें अंडर बिहेवियर गाइडेंस मेथड स्टेप्स सजेस्टेड बाय स्टेफन्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, जो अभी हमने पढ़ा है ऊपर बिहेवियर गाइडेंस मेथड, वो किसने दिया है, स्टेफन ने दिया है। तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं देखते हैं। फर्स्ट है इसमें मेजरिंग टारगेटेड बिहेवियर वंस, तो क्या वो पहले सबसे पहले ही उसके जो टारगेट बिहेवियर है उसको करेगा, वो करेगा तो, लेकिन वो वंस एक बार नहीं करेगा, वो रिपीटेडली करेगा, बार 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 वो देखेगा कि भाई उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है और उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर वंस नहीं, यहाँ पर रिपीटेडली आएगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर है मॉडिफाई द टारगेटेड बिहेवियर, अब जो हमने उसका बिहेवियर था वो मेजर कर लिया, अभी कहाँ प्रॉब्लम है, अब हम उसको मॉडिफाई, उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। फिर है असेसिंग द चेंजेस इन द बिहेवियर, फिर जो हमने मॉडिफाई किया उसको असेस करेंगे कि हाँ कितना इम्प्रूवमेंट हुई है, जैसे हम असेसमेंट करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं उस तरीके से। फिर है रिमूव दोज कंडीशंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट विच आर वर्किंग एज इम्पेडिमेंट इन द वे ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर, मतलब इम्पेडिमेंट यानी कि जो गलत तरीके से उसके बिहेवियर को जो इम्प्रूव जो मतलब एनहेंस करती है, बढ़ावा देती है, उसको क्या करेंगे, दूर करेंगे और उसको इन्वायरमेंट में घुलने के लिए प्रोत्साहित एनकरेज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन भी ए गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही बार नहीं करेंगे, वो बार बार मेजर करेंगे उसके बिहेवियर को। फिर इसमें इन कॉग्निटिव बिहेवियर और मॉडिफिकेशन मेथड, तो हमने अभी पढ़ा था सेकेंड कौन सा, कॉग्निटिव बिहेवियर मेथड, उसमें क्या था, फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आर आइडेंटिफाइड एक्सेप्ट वन, तो कुछ टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें कौन से देख लेते हैं, और एक उसमें नहीं है, चेक करते हैं कौन सा नहीं है, एनहेंसिंग इमोशनल रोल एंड सेंसिटिविटी, तो क्या हम जो उसकी सेंसिटिविटी है, जो इमोशंस है, उसको बढ़ावा देंगे कि भाई वो बहुत ज़्यादा इमोशंस है, छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करने लग जाता है, गुस्सा आ जाता है, रोने लग जाता है, नहीं, उसको हम बढ़ावा नहीं देंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा कि हम उसके जो भी बिहेवियर है, जो उसके इमोशंस है, जो उसके सेंसिटिविटी है चीज़ों को लेकर, उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। फिर है एम्फेसाइजिंग ऑन स्टडी स्टाइल, बिल्कुल, तो उसका स्टडी की कहाँ उसकी प्रॉब्लम आ रही है, उसको डायग्नोज करके उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, उस पर एम्फेसाइज जोड़ दिया जाता है। फिर है एम्फेसाइजिंग ऑन प्रोसेसेस रैदर दैन प्रोडक्ट इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो सबसे ज़्यादा जो कॉग्निटिव किससे रिलेटेड होता है, थिंकिंग और रीजनिंग से, और थिंकिंग रीजनिंग किसमें यूज होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, तो ज़्यादा जोर किस पे दिया जाता है,
उस पे प्रोसेसेस पे, उसको प्रोसेस कैसे करना है, सिखाना कैसे, ये नहीं कि प्रोडक्ट वहां पे कोई चीज उसको अप्लाई करनी, नहीं, उसको उस कैसे उसको याद करना है वो सिखाया जाता है। फिर है एम्फेसाइजिंग ऑन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कि उसको उसका जो गोल है उसको कैसे अचीव करना है ये सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इन एडॉप्टिव टीचिंग मेथड। तो हमने जो लास्ट मेथड इसका क्या पढ़ा था, एडॉप्टिव टीचिंग मेथड। तो जो एडॉप्टिव टीचिंग मेथड है, टीचर कैन सॉल्व मैनी ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड प्रॉब्लम बाय यूजिंग फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट। तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस यूज की जाती है उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इनकी लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन की। तो कौन सी है वो चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन या फिर रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। तो उनको क्या है, उसमें इंस्ट्रूमेंट भी यूज किए जाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसे पूछ सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को जज कर सकते हैं कि भाई क्या उसकी प्रॉब्लम आ रही है। इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट यानी कि किसी के थ्रू नहीं, किसी के थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, हम डायरेक्ट करेंगे। एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन देंगे उसको भी, चीजों को याद करने के लिए उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, एक्स्ट्रा उस पर कंसंट्रेट किया जाएगा। और रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होगा कि भी कैसे उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज करेंगे और कैसे उसको ढूंढेंगे और उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। तो ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा। सेकंड लास्ट है इसमें, अ टीचर विल हैव टू टेक द वेरियस एडॉप्टिव मेजर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज ऑन देयर एकेडमिक अचीवमेंट आर। तो जब हमने एडॉप्टिव मेजर्स किए, उसके क्या क्या किए थे, भाई हम उसमें रेमेडियल इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, तो उसमें साथ साथ हम क्या करेंगे, उसकी अकेडमिक अचीवमेंट को भी देखेंगे ताकि जो उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी को जो अफेक्ट कर रही है चीजें अकेडमिक अचीवमेंट, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। तो क्या क्या इन्वॉल्व होता है उसमें, इम्प्रूविंग बेसिक स्किल। तो जैसे बेसिक स्किल उसकी क्या होती है, थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिंग वर्ड, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, ये सारी चीजें उसकी बेसिक स्किल होती है, उसको इम्प्रूव करते हैं। बिल्कुल। फिर इम्प्रूविंग क्लासरूम बिहेवियर। क्लासरूम बिहेवियर में हम क्या देखते हैं कि भाई बच्चा कितना क्लास में अटेंटिव है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, क्या चीजें वो करता है, प्रेजेंस होती है कि नहीं, अटेंडेंस कितनी होती है, वो सारी चीजें अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा, वो सारी चीज जज करेंगे। फिर है इम्प्रूविंग सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर में देखते हैं कि भाई सोसाइटी के साथ वो कितना इंटरेक्ट करता है। तो ये सारे के सारे क्या है, एडेप्टिव मेजर्स हैं जो कि एकेडमिक अचीवमेंट को जज करते हैं। ठीक है, लास्ट है इसमें, द इम्पोर्टेंट बेसिक स्किल नीडेड बाय एवरी चाइल्ड इन विच लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर स्पेशली डेफिशियंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनकी डेफिशियंटी किस चीज में सबसे ज्यादा कमी मानी जाती है, जो कि इम्पोर्टेंट होती है उनकी बेसिक स्किल। तो मैंने भी बताया था, फर्स्ट ही ऑप्शन था 19 क्वेश्चन का, इम्प्रूविंग बेसिक स्किल, उसमें क्या क्या होती है, थिंकिंग एंड डूइंग अर्थमेटिक कैलकुलेशन, बिल्कुल थिंकिंग होती है, फिर अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी होती है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग ये भी होती है, फिर लेकिन स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन नहीं होती, स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी को एनहेंस नहीं करती, बाकी स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिंग वर्ड्स होती है, ये बेसिक स्किल में के अंदर है, जो बाकी है वो बेसिक स्किल्स के अंदर नहीं आती, वो क्लासरूम बिहेवियर में आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें गलत हो जाएगा। आई होप ये सारे, आप इसकी कंसेप्ट की वीडियो के लिए प्लीज यहाँ हमने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ चेक कीजिए और सब इसे सभी के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।